टैक्स विवादों के निपटारे के लिए लाई गई विवाद से विश्वास स्कीम लोगों के लिए बड़े फायदे का सौदा बन सकती है। इस स्कीम का फायदा लेने वाले टैक्स पेयर्स को ऐसे मामलों में विवादित रकम का केवल आधा हिस्सा ही चुकाना होगा, जिनमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपील दाखिल की है। इस स्कीम का ऐलान बजट में 9.32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के टैक्स विवाद के मामलों के निपटारे के लिए किया गया था। इस विवादित रकम के करीब 4.8 लाख मामलों के समाधान के लिए इस योजना को लाया गया है। इस स्कीम को टैक्स डिपार्टमेंट या टैक्स पेयर की तरफ से दाखिल अपील के आधार पर भुगतान के लिहाज से बांटा गया है। विवाद से विश्वास स्कीम बिल में हाल में किए गए संशोधनों को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। बिल को हाल में लोकसभा के बजट सत्र में पेश किया गया था। इसे 2 मार्च से शुरू हो रहे संसद सत्र में पारित किया जा सकता है। इसके अंदर मेजर बेनिफिट उन केसेस में है जहाँ की वो केसेस जो पेंडिंग है, जहाँ की डिपार्टमेंट ने अपील की हुई है। इन केसेस के अंदर इस स्कीम के अंदर आप 50% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स और 12.5% ऑफ पेनल्टी पे करके इन केसेस को क्लोज कर सकते हैं। यदि आप ये टैक्स पे कर देते हैं 31 मार्च 2020 से पहले, यदि यही केसेस आप सर्च के केसेस हैं तो उन केसेस में 25% एक्स्ट्रा, इसका मतलब 50 की बजाय 62.5% का आप टैक्स पेमेंट करके आप इन केसेस को क्लोज कर सकते हैं। यदि आप टैक्स 31 मार्च 2020 के बाद पे करते हैं तो आपको 50 की बजाय 55% टैक्स डिस्प्यूटेड टैक्स का और 12.5% पेनल्टी की बजाय 15% ऑफ पेनल्टी अमाउंट आपको पे करना होगा। मान लीजिए अगर मामला सर्च के दौरान हुए टैक्स के विवाद का है और अगर इसमें अपील टैक्स पेयर ने की है तो फिर टैक्स की विवादित रकम को 31 मार्च तक चुकाने पर 25% ही ज्यादा देना होगा। इस स्कीम के तहत पेनल्टी और इंटरेस्ट पर छूट दी जाएगी। अगर पेनल्टी, इंटरेस्ट या फीस की रकम पर विवाद है तो रकम का केवल 25% चुकाना होगा, बाकी की रकम माफ कर दी जाएगी। 31 मार्च के बाद टैक्स पेयर को टैक्स की पूरी विवादित रकम के अलावा 10% का भुगतान करना होगा। सर्च के मामलों में ये 35% ज्यादा होगा। इसी तरह अगर पेनल्टी, इंटरेस्ट या फीस की रकम पर विवाद है तो 30% रकम चुकानी होगी। टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से की गई अपील के मामले या जिनमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मामला हार गया है उनमें विवादित टैक्स का 50% और सर्च के मामलों में 12.5% ज्यादा चुकाना होगा। इसमें भी पेनल्टी और इंटरेस्ट की छूट दी जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से टैक्स पेयर्स भी छूट की उम्मीद में बकाया रकम का भुगतान करेंगे। इससे उन पर टैक्स का केस खत्म होगा और कुल रकम में भी कुछ रियायत मिल सकेगी। साथ ही सरकार को भी कानूनी झमेलों को किनारे रखकर एक बड़ी रकम जल्द हासिल करने का मौका मिलेगा।